तो क्या कीजिएगा आप तो हो चुका है, सारा हो चुका है, आप तो वो गुलाम बन के बैठेंगे आप तो, और कोई दूसरे का ऐसा नहीं बताए, गुलाम बन के बहने ये तरीका होता है। ये मिशनरी वर्ग का मुख्य ये सब संस्कृति में ये होता है, ये सब भावना होता है, लेकिन मिशनरी वर्गों ने इसको बहुत जोर से अपना ताकत दे करके विश्वास किया है। वो ये आप देख रहे हैं पूरी दुनिया में देख रहा है, तो इसीलिए वो हमको शिक्षा दे रहा है। बच्चों को क्या सिखा रहा है, शिक्षा तो दे रहा है, हम उसकी शिक्षा को देंगे कि हम भेजा है, वो सो रहा है कि हमारे पास आ रहा है, हम शिक्षा देंगे उसकी साल हमारा क्या रहेंगे, तो गौर का पूजा करना सिखाएंगे वो गुदाम शराना में नहीं गशा में नहीं बोलेगा वहाँ पर। हाँ नमो गांधी शिवम ये नहीं बोलेगा वो, क्योंकि ये बोलने उसको बना है, तो शिव बोलने में मरा है, बुद्धम गसमी बोलने में मरा है उसको, तो वो नहीं बोलेगा। दूसरों को शिक्षा से सिखाना तो छोड़ करके खुद बोलने मना करता है, उसे मना है वो, तो इसलिए उसकी संस्कृति भी ये है। तो ये सब संस्कृति जो है हम अपने ऊपर जाने अनजाने में थोड़ा बहुत अपने सामने जो फायदा आते हुए उसको दे करके वहाँ भेज देता है, तो बाकी कुल मिला करके अपने जीवन छोड़ के अपने समाज पूरी अपने परंपरा तो सब हम भेज देते हैं। ये भेज देने के तो जो रास्ता जो है वो मूर्खता है, नहीं जाना हमने पता नहीं चला कि वो क्या सोचता सो रहा है, वो करने क्या चाहते हैं ये हम नहीं सोच पाया, हमको क्या करना है ये नहीं हम सोच पाए, एक सबसे पहले हम कौन है ये हम नहीं सोच पाए। अब किनौरा है तो किनौरा है तो टोपी ले जाए, किनौरा है इतना ही किनौरा है, किनौरा होने के एक पीछे एक संस्कार होता है, एक संस्कृति होता है, उसको लेकर के हम किनौरा होना चाहिए। जैसा कि जाति व्यवस्था बुद्ध धर्म की जाति व्यवस्था नहीं है, लेकिन ये क्षत्रिय है, वो क्षत्रिय का अपना एक संस्कृति होता है, उसको लेकर वो क्षत्रिय बनता है, वो ब्राह्मण नहीं बन पाता, तो इस तरह के एक ब्राह्मण का एक अपने संस्कृति होती है, अपने जानकारी होता है, उसको लेकर वो ब्राह्मण बनता है, नहीं तो क्षत्रिय के काम करके वो ब्राह्मण नहीं बन पाता। इसीलिए हम लोगों को अपनी संस्कृति के अंदर बैठ करके अपने संस्कृति के परिचय को दे करके अपने संस्कृति की कीमत को समझ करके तो किनौरा बन जाएगा। आखिर संस्कृति का मुख्य उद्देश्य ये होता है। तीसरा, संस्कृति के जो पीछे धर्म का जो सिद्धांत है वो बहुत व्यापक है। कुछ धर्म ऐसे होता है जिसको जैसे कि अभी हमने क्रिश्चियन मतों की बात तो कह दिया, लेकिन उस तरह से वो धर्म को यही सब बातें रहते हैं, लेकिन उसका उद्देश्य है आदमी को आदमी बनाना नहीं है। तो उसको जैसे कि सत्संग बोले सत्संग बनाना है, किसान को किसान बनाना है, ये है वो। तो आदमी को आदमी बनाना, आदमी को अपनी सही परिचय देना, आप आदमी को आदमी के जो सही उद्देश्य है को दिखाना, तो ये धर्म जो है वो दूसरे धर्म में थोड़ा कम है। हम किसी धर्म के निंदा नहीं करते हैं, सम्मान करते हैं, और सब समा सब धर्म आस्था के विषय होता है, वो श्रद्धा का विषय होता है, श्रद्धा के विषय में शीर्षक करना अच्छा नहीं होता है, वो होने दीजिए उसको, क्योंकि श्रद्धा के विषय में शीर्षक करेगा तो झगड़ा होता है, वो लड़ाई होता है, देश होता है, सारा होता है, तो उसको शीर्षक नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है, तो वो कर ही दीजिए, वो अपने धर्म मान ही दीजिए, उसलिए हम बिल्कुल माना नहीं करेंगे। लेकिन हमको वहाँ जाने से पहले आपको कौन सा रास्ता है, आप कौन है, पहले खुद को जानना चाहिए, दूसरा आप खुद को क्या करना है, कहाँ जाना है, ये आपको समझ, ये सही रास्ता दिखा रहा कौन सा धर्म आपको ये सही रास्ता दिखा रहा है, ये आपको समझना है। तो ये बौद्ध धर्म में सबसे अच्छा धर्म है, यहाँ हमारी जो रास्ता जो है देवशु है, मुझे देवशु करना है, मुझे देवशु पाना है, प्राप्त करना है, निर्वाण को प्राप्त करना है, सारे दुखों को प्राप्त छोड़ना है, संसार के दुखों को छोड़ना है, और थारे भयों को लेना है, संजय के कोपम को लेना है, बुद्ध तो आपको लेना है, अर्हत तो आपको लेना है, हमको
तो सारे संसार के दुखों को छोड़ करके बुद्धत्व को परिनिर्वाण को प्राप्त करना हमारे रास्ता है, हमारे उद्देश्य है। तो ये इसको कौन से धर्म में मिलेगा ये आपको देखेंगे तो बहुत धर्म में मिलेगा, दूसरे धर्म से नहीं मिलेगा। तो इस तरह से धर्म को सही ढंग से समझना, दूसरा धर्म को सही ढंग से पालन करना ये जरूरी है। एक दूसरा हम लोग धर्म में होने के लिए ये तो ज्ञान के द्वारा धर्म में आता है, क्योंकि सिद्धांत बुद्धि सिद्धांत के माध्यम से धर्म में आता है। एक दूसरा परंपरा से आता है, जैसे आपने कहा कि उनके पिताजी बुद्धिस्ट है तो खुद बुद्धिस्ट हो गया, तो उसको बुद्धिस्ट होने के लिए ये चाहिए वो चाहिए सब नहीं बताया। तो क्या कहें, वो करने से करते हुए रसने दे गया, ये समझाते हुए रहने जाता हूँ। तो हमारी संस्कार में क्या होता है, हमारी संस्कृति में क्या होता है, हमारी संस्कृति में भी बहुत धर्म बैठा हुआ है, वो बहुत धर्म बैठा हुआ है, वो संस्कृति के अनुसार आप कर लेंगे तो आप बोध हो गया हो। तो इसलिए बोध होने के लिए ये होना जरूरी ये सब जानकारी जरूरी ये हो, सब बोध हो गया है। तो हाँ बोध है, लेकिन आप बोध क्यों है ये आपको पता नहीं है, लोग ऐसे कहते हैं। तो आज के इतिहास वाला आदमी ये बोलता है, वो सब लोग नहीं बोलता है, आपको बोध नहीं है, आपके बोध के फायदा नहीं बोलता है, वो सब बोध है ही है। लेकिन आज की जो इतिहास की जान वाला जो है तो वो आपका बोध है तो क्यों बोध है, आप किसे बोध है ये पूछ रहे हो। तो आपके इतिहास आज के एक वैज्ञानिक ज्ञान है वो, तो उसके अनुसार आपको प्रश्न पूछता है, वो प्रश्न के उत्तर आप दे पाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दे पाएगा तो आपको ज्ञान का कीमत तो आपको नहीं मिलेगा, लेकिन आपके संस्कृति की धर्म के सम्बन्ध कीमत है ही है। तो ऐसे है, तो इसमें हम एक आपको छोटी सी बात बता दूंगा। तो बौद्ध धर्म बौद्ध होने के लिए त्रिशरण गमन होने चाहिए, सबसे पहले त्रिशरण गमन होने चाहिए तो वो बौद्ध हो ही जाता है। और त्रिशरण गमन की जो लक्ष्य होता है, शिक्षा होता है, उसकी शिक्षा के अनुसार अपने जीवन को जाना है तो वो बौद्ध हो जाता है। तो बौद्ध होने के मुख्य सिद्धांत का मुख्य ज्ञान ये है, ये आप लोग दिमाग में रख लीजिएगा, ये दो तीन बातें जो है वो ये दिमाग में रखना होता है। त्रिशरण में जाने जरूरी है, और त्रिशरण में क्यों जाएगा, तो त्रिशरण के जो बारे में लक्षा होता है, त्रिशरण की जो शिक्षा होता है वो शिक्षा को अपना होता है। तो उस होने के बाद आप बौद्ध है, चाहे जो लोग जो कहें सो कहे तो आप बौद्ध है। तो इसीलिए बोध होने के लिए ये सब जानकारी जरूरी होता है। एक अजीब कहानी सुना दे, बहुत बड़े लामा है, वो लामा जी ने ज्ञातोंगों का दुख दिया, ज्ञातोंगों को खूब दुख दे दिया, गलो खाम दिया हो गया। तो बाकी सामने बच्चे ने पूछ लिया जी ज्ञातों क्या होता है, तो गुरु जी को पता नहीं ज्ञातों क्या है, गुरु जी को बोल नहीं पाया, ज्ञातों को ये ज्ञातों मणि ये होता है ये नहीं बोल पाए, तो क्या करो। तो अब ऐसे जानकारी से जानकारी ना होने वाला, तो ऐसे जानकारी ना होने वाले बेवकूफ़ी नहीं बनने चाहिए। जवाब आप त्रिशरण बुद्धिस्ट है तो बुद्धिस्ट के होने में त्रिशरण में जा रहा हूँ, बुद्धमशरा भी कैसे बचा हूँ, बुद्धमशरा में किसे कैसे रहा है, तो बुद्धमशरा में गच्छा में बोलने की जो शरण में जाने की जो शिक्षा होता है वो शिक्षा का पालन करता हूँ, ये आपको सीधा बात है। पर इतने से आपको सब जवाब हो गया, चाहे वो दार्शनिक जवाब प्रश्न करें या परंपरागत प्रश्न करें या ऐतिहासिक प्रश्न करें, तो सब जवाब यही होता है। तो ये सब इतने से छोटे से जानकारी तो छोटी छोटी माताओं को भी छोटे छोटे बेटा बेटियों को भी याद रखना चाहिए, तो याद रखना चाहिए वो। हाँ इतने से हम कारण है, इसीलिए हम बुद्धि से हो, तो इसीलिए बुद्धि होने के लिए कीर्तन की जानकारी जरूरी नहीं है। आप लामा लोग पाठ पढ़ता है, पाठ पढ़ता है, लेकिन पाठ के अंदर क्या लिखा हुआ है उसे मतलब नहीं समझता है। कुछ लोग समझता है, थोड़ा बहुत समझता है, कुछ नहीं भी समझता है, लेकिन पाठ गड़बड़ नहीं है, वो ठीक सही बोल रहा है। जानकारी नहीं हुआ कंजूर तंजूर का पूरा जानकारी किसी लामा को शायद होना मुश्किल है, वो किसी पंडित होने समझ नहीं हुआ, जो पढ़ता है सब बहुत समझ दो समय में आ गया हो, वो जो कंजूर तंजूर में लिखा हुआ है वो सरल बातें नहीं होती है, वो उनके लिए बहुत सारे एक जीवन से नहीं काम चलता है, जीवन से जीवन में अध्ययन करके अध्ययन करना पड़ता है, तब जाकर उनकी बात समझ में आता है।
तो इतने जानकारी आप पाता है, जानकारी नहीं है कि निंदा नहीं करना चाहिए, थोड़ा बहुत समझता है वो ठीक हो, दूसरी बात है, लेकिन सब समझ में आना हो जरूरी नहीं होता है, जरूरी भी नहीं होता है जो जैसे होगा भी नहीं हो। तो इसीलिए पांच पारी का ठीक है, वो पढ़ ही दीजिए, थोड़ा पारी का तो पढ़ ही दीजिएगा, थोड़े के अंदर क्या देखा है, उसके मुझे क्या होता है, तो अभी मैंने क्या तो मुझे बात बोला ऐसा लामा जी को कुछ लामा जी बता नहीं पाएगा, वो बता तो नहीं पाएगा, वो बड़े बड़े लोग नहीं बता पाएगा, उसके अंदर बहुत डीप बातें होती है। तो इसलिए पढ़ना पढ़ लेना बहुत अच्छी बात है, और पढ़ने में जितने उसका ज्ञान होता है, शौकान होता है, वो ठीक से होना चाहिए, ठीक से उच्चारण होना चाहिए, मंत्र ठीक से उच्चारण होना चाहिए, जो चुनने बोले जो उसका शौका होता है वो ठीक से होना चाहिए। तो ये हमारे संस्कृति जो है, ये संस्कृति को समझ में नहीं आ रहा, विस्फोट नहीं हो रहा, उसको सस्ता नहीं समझ रहा, उसको जो अखबार की तरह से लिखा हुआ नहीं है, समस्या की तरह से लिखा हुआ नहीं हो, उसकी सारी बहुत सारी चीज़ें में बैठा हुआ है, तो इसके उसके आधार कार्य भी जानता है, जानना चाहिए। दूसरा जहाँ तक ये तो संस्कृति की बात नहीं हुई, दूसरा ये है हम लोगों के परंपरा में, हम लोगों की परंपरा ने बुद्धिस्ट धर्म का परंपरा बोला बुद्ध की काल से हो चुका है, बुद्ध के कलयुगों में दो सूत्रों में तंत्रों में लेखा होगा कि सुनने वाला कौन है, वहाँ सुनने वाला आदमी भी है और नंगा लिंग भी है, किनोरा भी है, वहाँ किनोरा बार बार है, वहाँ कई जगह है, किनोरा के नाम भी है, काम भी है, किसी किसी को उसे बता बोझे नाम भी है, तो किन्होंने पहले बुद्ध के सामने खुद छूटता है, सुनते थे सोच करके यहाँ बोलते भी थे, सब लोग करते भी थे, तो वो सब बीच में जो परंपरा जो है वो सब अच्छे लोग जानकारी लोग थे, जानकारी लोग जाने से जानकारी कम होने वाले जो है उसको वो सब परम्परा तो खास करके जो राहुल जी ने जो अपने किताब में लिखा है कलसी में ये नदी है, ये नदी जो है शिमला के पीछे जो नदी है वो नदी की बड़ी ये पत्थर है, उस पत्थर पर पुरानी मगधी पुरानी गीते में लिखा हुआ है तो यहाँ से बहुत जहाँ गया आगे गया है, तो ये कुछ लिखा हुआ है।